Hello everyone. In today's discussion, I will discuss a very important topic, that making of our Indian Constitution. So I will discuss this topic from NCERT class 11. So जो भी students 11 की है class political science उसका subject है, they can watch this video. और जो भी competitive exams की preparation में है, they can also watch this. They will get the benefit out of this. So I will tell you what I will discuss today. First of all, we will see why we need a constitution for a country. Requirement क्या है constitution की. Next, I will discuss the whole historical process of making of our Indian constitution. The starting from the constituent assembly to the enactment, final enactment of our constitution. So there is a request, if you are new to our channel, you can subscribe to our channel and also share it and like it. Like this video so that I can reach many more students. So I will start with a presentation. You can also make a notes after watching the video and after getting the presentation. So let's start. At very first, we will see what is a constitution and what are the functions of a constitution. A constitution is a body of fundamental principles according to which state is constituted or governed. So एक state को govern करने के लिए, एक country को govern करने के लिए जो fundamental principles बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं constitution. So next we will see the functions. पहला functions तो ये खुद है. Next, the second function of a constitution is to specify who has the power to make the decision in a society. It decides how the government will be constituted. सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे कि जो सोसाइटी है हमारी, उस सोसाइटी को गवर्न कौन करेगा, सोसाइटी को कौन रूल करने वाले हैं, सोसाइटी कैसे चलेगा. तो इसके लिए जो भी पावर है डिसीजन लेने के लिए, वो पावर किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा. तो गवर्नमेंट को ये पावर देने के लिए जो हमारे पास बॉडी है उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन नेक्स्ट पॉइंट, द अनदर फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू set some limits on what a government can impose on its citizen. So यहाँ पे सिर्फ government को powers मिल गए तो ये हमारी society के लिए सही नहीं होगा. government कभी भी अपनी power को abuse कर सकते हैं. इसीलिए constitution का और एक function है कि constitution क्या करेंगे, constitution government के ऊपर भी कुछ limitation रखेंगे, जैसे कि इस लिमिटेशन को सिटीजन्स कैसे एंजॉय कर पाएंगे, सिटीजन के पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है. तो गवर्नमेंट कभी भी सिटीजन्स की जो फंडामेंटल राइट्स है वो कभी वायलेट नहीं कर सकते. नाउ आई विल टॉक अबाउट द होल हिस्टोरिकल प्रोसेस अबाउट द मेकिंग ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो क्रेडिट है वो क्रेडिट जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हमारे पास क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया. द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज गिवन बाय हुम, गिवन बाय एमन रॉय इन 1934. सो पहले जो आइडिया दिया इंडिया को कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो हमें क्या बना के दे सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करके दे सकते हैं, तो ये आइडिया हमें मिला एम एन रॉय से. वो एक स्कॉलर है, कम्युनिस्ट स्कॉलर. नेक्स्ट जो आइडिया को आगे ले गया वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935 टू ब्रिटिश. सो यहाँ पे ब्रिटिश, उस टाइम पे इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. सो ब्रिटिश को ये डिमांड रखनी पड़ी. इंडिया की तरफ से जो डिमांड गई वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए देना है. नेक्स्ट द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द ऑफर थ्रू अगस्त ऑफर ऑफ 1940. उसके बाद आया कैबिनेट मिशन जो एक फाइनल प्लान था ब्रिटिश का, और उसकी उसके बाद ही हमारे पास क्या आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में बनी. सो ये प्लान है कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एंड पुट फॉरवर्डेड द आइडिया इन 1946 फॉर सेटिंग ए
Constituent Assembly in India, and finally the Constituent Assembly was constituted in the same year. So now we will see what is a Constituent Assembly. A Constituent Assembly or a Constitutional Assembly is a body or assembly of popularly elected representative. In India also it was constituted through election. So Constituent Assembly जो constitution बनाते हैं, एक body है constitution बनाने के लिए, ये एक elected representative ही है, यहाँ पे elections के through ही ये बनाया जाता है. तो next और भी हम जानेंगे constitution की process के बारे में. Students, here I would like to say something. End of the video की जो section है वहाँ पे आपको बहुत important dates और events के बारे में मिलने वाले हैं, और ये video देखने के बाद आपकी सारी doubts constitution की clear हो जाएगी. So आप इस वीडियो को एंड तक देखें. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन. एट वेरी फर्स्ट असेंबली मेंबर वाज 389. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया सम ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान एंड द नंबर केम डाउन टू 299. आउट ऑफ 299 वेर फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 70 वेर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. सो ये कंपोजिशन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे. नेक्स्ट वी विल सी Dr. Shashidanand Sinha was the first temporary chairman of the Constituent Assembly. So, chairman bane. Ye. Next, ye temporary time ke liye president bane the Constituent Assembly ke. Jo next president bane, jo elected president bane, wo hai Dr. Rajendra Prasad. Aur vice president ki bhi naam hume yaad rakhna hai. Vice president the H.C. Mukherjee aur V.T. कृष्णमाचारी. एज आई ऑलरेडी टोल यू, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स एंड एवरी पॉइंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वी विल सी द फाइनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट ऑन डिसम्बर 1946. बट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज दैट द मुस्लिम लीग बॉयकॉट द मीटिंग. The assembly had done 11 sessions so far for making our constitution. Along all the committee of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee, came up on August 29, 1947. So constitution ki jo making ka process hai usme drafting committee ka credit bahut zyada credit milta hai drafting committee ko, jisne constitution ko ek draft banaya aur iski wajah se hamare paas ek final constitution aaya, hamare paas ek law banke. सो ये कब फॉर्म हुआ था? 1947 में. द फाइनल डॉक्यूमेंट हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल. सो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आपकी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी तब कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल थे. नेक्स्ट वी विल सी हाउ मच टाइम इट टुक. सो 2 years, 11 months and 18 days लगी कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आई हमारे पास वो था, कब आया वो? 1948 में. सो द लास्ट सेशन वॉज हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 26 November 1949. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 November 1949 फाइनली. सो दिस इज नॉट द एंड. द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स From 26 January 1950. In this day, we celebrate as a Republic Day. So here, you must remember the two important dates. That is the adoption day of our constitution and the final enactment day. That when the constitution start working. Actually working in our country. So I hope this video's discussion will be very helpful for you. Do not forget to like this video and share it. Please wait for another updates on the lecture on political science. Thank you.